न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। धरती पर डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, लेकिन अगर डॉक्टर इलाज में कोताही बरते जिसके चलते किसी मरीज की जान चली जाए तो इसे आप क्या कहेंगे। रेवाड़ी के घड़ी बोलनी चौक स्थित देव ज्योति अस्पताल में फिर से ऐसा ही एक मामला उस वक्त सामने आया जब इलाज के दौरान 49 वर्षीय एक महिला ने दम तोड़ दिया, जिसे लेकर ग्रामीणों में भारी रोष है। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही के चलते महिला की मौत हुई। इसी को लेकर परिजन और ग्रामीण अब डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। परिजनों की माने तो बीते शुक्रवार को रेवाड़ी जिला के गांव श्यामनगर की रहने वाली करीब 49 वर्षीय मीना देवी अपनी बेटी के साथ पथरी की दवाई लेने के लिए घड़ी बोलनी चौक स्थित देव ज्योति अस्पताल में आई थी, जहाँ डॉक्टर ने महिला को ऑपरेशन की सलाह देते हुए पूछा कि क्या उसके पास आयुष्मान कार्ड है। महिला ने हाँ करने पर डॉक्टर ने महिला को ऑपरेशन के लिए भर्ती कर लिया। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान पेट की नस कट जाने के कारण जबरदस्त ब्लीडिंग शुरू हो गई। मरीज की हालत बिगड़ती देख डॉक्टर ने परिजनों को बुलाया और महिला को रोहतक रेफर कर दिया। परिजनों का आरोप है कि इलाज में लापरवाही के चलते रोहतक में डॉक्टरों ने महिला को भर्ती करने से मना कर दिया। काफ़ी गुहार लगाने पर डॉक्टरों ने महिला को भर्ती तो कर लिया, मगर ऑपरेशन के पूरा प्रोसीजर दोबारा से फॉलो किया गया। बावजूद इसके ब्लीडिंग अधिक होने के कारण आज सुबह महिला ने दम तोड़ दिया। इसके बाद परिजन मृतक महिला को एम्बुलेंस में लेकर देव ज्योति अस्पताल पहुंचे और उन्होंने पुलिस को सूचित किया। परिजनों की मांग है कि इलाज में हुई लापरवाही के कारण डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहीं इस मामले को लेकर अस्पताल के संचालक का कहना है कि एक अनुभवी डॉक्टर द्वारा ऑपरेशन किया गया था और ब्लीडिंग अधिक होने पर उसे रोहतक भी रेफर कर दिया गया था। उन्होंने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि मरीजों की शिकायतें होना आम बात है, ऐसे में अस्पताल कुछ नहीं कर सकता। अब देखना यह होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई अमल में लाती है, लेकिन पुलिस अभी इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री के लिए ब्रजेश कुमार है। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला सर, इन्होंने डॉक्टर ने जो ट्रीटमेंट दिया उसमें लापरवाही बरती और थोड़े लीवर की और दो तीन जगह इन्होंने गलत ट्रीटमेंट किया, जिसको रोहतक वाले भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। बाई रिक्वेस्ट में उन्होंने एक्सेप्ट कराया और सारा प्रोसीजर दोबारा से फॉलो कराया उन्होंने, लेकिन उस दौरान ब्लड इतना निकल गया कि इनमें जान मतलब नथिंग रहेगी। उन्होंने ये कहा था कि 20% है, अगर बच गई तो आपकी। और यहाँ फोन कर रहे हैं तो ये भाई साहब कोई नहीं उठा रहे यहाँ पे। अच्छा, ये कहना क्या चाहते हैं आप? लापरवाही इनकी इनकी है। क्या लापरवाही थी और किसने कहा ये बात लापरवाही? डॉक्टर ने कहा रोहतक वाले ने, और इन्होंने ना कोई प्रोसीजर के तहत मान लो वहाँ भी भेजना था तो कोई पेपर वर्क तो बना के दिया होता। खाली ये लिखना चाहिए कि ब्लीडिंग हो रही है और हम भेज रहे हैं, ये ऐसे थोड़ी होता है भाई। किसी को तो ऐसा शुगर में कहीं दिक्कत आई हो, कोई बीपी आया हो, कुछ तो दिया होता है। अगर हम आपको कह दें ये ले रूँ वहाँ से ले जाओ तो क्या वो एक्सेप्ट कर लेते हैं वहाँ पे? अभी क्या मांग है आप लोगों? हमारी यही मांग है सर, आगे उस कोई का एफआईआर दर्ज हो और इनको जो चीज करना है वो मिल जाए। यहाँ पे नाम राधेश्याम है। क्या है पूरा मामला? ये मामला ये है जी, मेरा श्यामनगर गांव है और ये मेरे ताऊ की पुत्र वधू है और इनका नाम है मीना वाइफ ऑफ जगेसी। ये ऑपरेशन के मतलब दवाई लेने के लिए यहाँ पे आई थी अपनी लड़की को लेकर। इनके पथरी थी और पथरी का इलाज कराने के लिए दवाई लेने के लिए देव ज्योति हॉस्पिटल रेवाड़ी के अंदर आई थी, और यहाँ आने के बाद डॉक्टर ने मोटिवेट किया उनको कि आप इसका ऑपरेट करा लो, क्योंकि इनके पास आयुष्मान कार्ड था। उन्होंने पूछा कि आयुष्मान कार्ड है? उन्होंने हाँ है, तो आप इसको ऑपरेशन करा लो। ऑपरेशन में तब्दील कर दी, उनको बताया कि ऑपरेशन कराओ। ऑपरेशन के लिए उन्होंने उनकी लड़की साथ थी, वो 20 साल की है और दोनों माँ बेटी थी, इसका हस्बैंड साथ नहीं आया था, वो अभी क्योंकि दवाई लेने आई थी। तो उसने कहा कि कोई नहीं, ये लड़की सिग्नेचर वगैरह जो अपनी फॉर्मेलिटीज़ है वो करा लेंगी और आप इनका एडमिट करो। एडमिट कर दिया और ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन किया इन्होंने। ऑपरेशन किया तो पेट की जो अंदर से नसें कट गई और इनको ब्लड नहीं रुका और इनके काबू से बाहर हो गया। तो हमें उन्होंने कहा कि आप अपने घर से किसी को बुला लो और इनको मैं रोहतक भेज रहा हूँ, मेरे यहाँ नहीं हो गए। और इन्होंने जब हमारे बंदे वहाँ से श्यामनगर से यहाँ तक आने में मिनिमम 1.25 से 1.5 घंटा लगा होगा, और उसके बाद इन्होंने कहा कि आप रोहतक ले जाओ। और रोहतक ले गए तो डॉक्टर ने देखी गंभीर हालत है। तो वहाँ पे जब उन्होंने ऑपरेशन को दोबारा किया, इन्होंने जल्दी जल्दी में मोटे मोटे पैके लगा के इनको फ्री कर दिया यहाँ से अपनी, यानी कि बला टाल दिए इन्होंने, ले जाओ यहाँ से। और जैसे ही यहाँ से लेके गए, वहाँ लेके उन्होंने देखा कि ऑपरेशन के नशे दोबारा ऑपरेशन किया और पेट के अंदर काफ़ी खून इकट्ठा हो रहा था,
उन्होंने खून निकाला और नस कटने की वजह से काफ़ी शरीर का ब्लड निकल चुका था। उनके बाद उन्होंने अपने खून चढ़ाया वगैरह, लेकिन मामला सीरियस था और आज सुबह 6 बजे उन्होंने कम आपने यहाँ पे कब एडमिट कराई थी, रोहतक कब लेके गए? शुक्रवार को एडमिट कराए थे यहाँ पे, शुक्रवार को दिन में आए थे और इन्होंने ऑपरेट किया। शाम को ये बताया ऑपरेशन करने के बाद कि हमारे काबू से बाहर है नस कटने की वजह से। ये सारा मामला पेट की नस कटने की वजह से हुआ। वो डॉक्टर से आप आम भाषा में ये आपको किसने बताया कि नस कट गई? ये ऑथेंटिकेट कौन करेगा? ये डॉक्टर ने कहा था कि पेट की नस कट ब्लड नहीं रुक पा रही है, पेट की नस कट। पित्त की थैली में पथरी थी, पित्त की थैली का ऑपरेशन था। हमारे यहाँ सर्जन डॉक्टर गौरव यादव ने ऑपरेशन किया था, ठीक है। मैं डॉक्टर देवेंद्र यादव हूँ, अस्पताल का मालिक हूँ। तो ऑपरेशन के दौरान जो है पेशेंट को ब्लीडिंग थोड़ी सी ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से हमने उसको 3 से 4 मिनट ब्लड भी चढ़ाया। उसके बाद मरीज को आईसीयू में शिफ्ट किया और पेशेंट को ब्लीडिंग ज्यादा थी, इस वजह से हमने इस पेशेंट को रोहतक रेफर कर दिया था। मरीज रोहतक में एडमिट हो गया था, उसके बाद मरीज का रोहतक में भी दोबारा से ऑपरेशन हुआ है और उसके बाद उसकी हालत किस तरह बिगड़ी, क्या रहे, अपडेट तो मेरे पास है नहीं कि प्रेजेंटली उसकी क्या है, पर उस टाइम मुझे मालूम था कि रात को उसका वहां पे ऑपरेशन हुआ था और मेरे पेशेंट वहां पे आईसीयू में एडमिट था। अब एट प्रेजेंट उसके साथ क्या हुआ है, पेशेंट बचा है या सीरियस है या मान लो एडमिट है, मुझे मालूम नहीं। आरोप यह कि आपने ऑपरेट करने के दौरान उसकी नसें काट दी, वहां पे पीजीआई का ये कहना है, आरोप है सब परिजनों का, तो आप अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के चलते उसकी मौत हुई है रेवाड़ी के जो आपको क्या होता है कि कोई भी ऑपरेशन होता है वो एक क्वालिफाइड और वेल ट्रेन्ड एक्सपीरियंस सर्जन ने किया है। ऑपरेशन के दौरान कुछ कॉम्प्लिकेशन का रिस्क हमेशा रहता है, हर ऑपरेशन में रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं है जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया वो पहली बार ऑपरेशन किया, वो कई हजारों ऑपरेशन कर चुका है और रोज के 4-5 इसी तरह के ऑपरेशन करता है, पर कुछ हर पेशेंट से रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं हर सर्जरी में, तो वो कॉम्प्लिकेशन उसको हुआ है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पेशेंट को ऑपरेशन के दौरान ही ब्लीडिंग हुई है, ठीक है। ये सारे तमाम तरह की शिकायतें देवज्योति के खिलाफ क्यों रहती है? सेम ऑफिस में भी कई शिकायतें आपकी पेंडिंग रहती हैं, ऐसा इस तरह के आपके साथ ही क्यों होते हैं सारे? ऐसा नहीं है, देवज्योति के खिलाफ सारी शिकायतें होती हैं। देवज्योति में क्या है कि हमारे पास सर्जिकल वर्क और वो काम सबसे ज्यादा, अगर आप सबसे ज्यादा काम करोगे तो आपके पास जो कॉम्प्लिकेशन है, प्रॉब्लम्स है, वो भी हम वो रहेंगे। बाकी हमारी तरफ से कोई ऐसी कोई शिकायत पेंडिंग नहीं है। अब साल में कोई 1 या 2 बार इस तरह की चीजें होना आम बात है, इसमें हम ना अस्पताल कुछ कर सकता है ना कोई और कुछ कर सकता है। ये कह रहे कि आयुष्मान कार्ड देकर आप भर्ती कर देते हैं, फिर उसके बाद इस तरह की दिक्कतें आती हैं। देखो, अगर मरीज के पास आयुष्मान कार्ड है तो आयुष्मान कार्ड से उसका इलाज होगा, इसमें अस्पताल तो उसके उसके लिए होता है, ठीक है। मरीज के साथ जो दिक्कतें हैं, मान लो पित्त की थैली में पथरी है या गुर्दे में पथरी है या कोई भी उसके साथ परेशानी है, तो उसके साथ वो रहेगा।